أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صلوات पाँच रोज़ा इन मजालिस के लिए साहिबान ईमान के दरमियान मौलाए कायनात के चाहने वालों और मानने वालों के दरमियान में जिस इनवान का इंतखाब करते हुए मारूज़ात को इंशाअल्लाह बयान करना है वो इनवान है सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातु वस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस हवाले से सूरह मुबारक बकरा तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद का दूसरा सूरा और उसकी 108 नंबर की आयत को सरनामा कलाम करार दिया कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को कंपेयर किया है, मिलाया है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। और परवरदिगार आलम फरमाने लगा कि अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से इसी अंदाज़ में सवाल करो, इसी तरीके का तकाजा करो, इसी तरीके की दरख्वास्त और इल्तिमास करो जिस तरीके से तुमसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवालात होते रहे हैं। पैगंबर इस्लाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलाया और उसके बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाने लगा कि वमई यतबद्दलिल कुफ्रा बिल ईमान, जिसने कुफर की तिजारत की ईमान के ज़रिए से, यानी क्या मतलब, जिसने ईमान को छोड़कर कुफर को ख़रीद लिया। दुनिया में पहले वो मोमिन था, मुत्तकी था, परहेजगार था, परवरदिगार आलम को मानता था, नमाज़ें पढ़ता था, रोज़े रखता था, लेकिन उसके बाद उसने ईमान को छोड़ दिया, काफिर हो गया, खुदा का इनकार कर दिया, नमाज़ें पढ़ना उसने तर्क कर दी, रोज़े नहीं रखता था, तो फ़क़त वल्ला सवा असबील। तो परवरदिगार आलम ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाता है कि उन्होंने सिरात मुस्तकीम को, अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया। यह आयत का तर्जुमा। मौलाए मुत्तकियान पैगंबर इस्लाम के बाद खलीफा बिला फसल है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
यानी तमाम कम से कम शियों का इस बात के ऊपर अकीदा है, ईमान है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो मेरा ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि हमारा अकीदा उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की इमामत की गवाही पेश करते हैं। ये है तो मौलाए मुत्तकियान खलीफ़ा बिलाफसल सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मौलाए कायनात की सीरत में हमें पहलू नज़र आते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से कुछ बयान करूँ, यहाँ पर एक बात बयान करना ज़रूरी है। और वो क्या? वो बात यह है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने हबीब को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मिलाया है, बिल्कुल इसी अंदाज में सूरह मुबारक मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने एक और काम किया है। और वो क्या काम है? हज़रत मूसा पैगंबर इस्लाम, ठीक है, फिरौन कुफ्फार मक्का, यानी पैगंबर के दौर में जो काफिर थे उनको मिलाया है फिरौन के साथ। कि जिस तरीके से फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में आए, फिरौन के सामने खुदा की वहदानियत की निशानियों को पेश किया, मोजज़ात को बयान कर दिया, उसके बाद क्या था? क्या फिरौन ईमान लेकर आ गया? वाज़ह निशानियों को देखने के बाद, रोशन निशानियों को देखने के बाद क्या वो ईमान लेकर आ गया? नहीं, वो ईमान लेकर नहीं आया, बल्कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि ऐ मूसा, हम तुम्हारा और तुम्हारे भाई हारून का मुकाबला कराएंगे मिस्र के जादूगरों के साथ। और देखिए, ये जिसम कहते हैं ना कि दुश्मन का ये तरीक़ेकार रहा है, अम्बिया अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जितने भी दुश्मन आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद आया, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उनकी कौम वाले आए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उनके शहर में रहने वाले अफराद आए, तो एक तरीक़ा था। वो तरीक़ा क्या था? नबी की बात तो नहीं माननी ना। अच्छा, जब नहीं माननी तो अब क्या करें? उसका इलाज ये है कि या तो नबी को धमकी दे दो कि हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे, जिस तरीके से हज़रत लूत और जनाब शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है, ठीक है। और अगर ये भी नहीं हो सके तो नबी को कहो कि मुकाबले के लिए तैयार हो जाए, जिस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब हारून के हवाले से फिरौन ने कहा कि ठीक है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। अब हज़रत मूसा और जनाब हारून, ये दोनों अल्लाह के नबी थे, इनको खुदा की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद व आले मोहम्मद, इनको परवरदिगार आलम की ज़ात में मुकम्मल भरोसा था। इन्होंने कहा ठीक है, मुकाबला चाहते हो, मुकाबला करेंगे। फिरौन ने सारे मिस्र के जादूगरों को एक मरतबा बुलवाने का हुक्म दिया, यानी मुकाबला ऐसा नहीं था कि अगले दिन उसने कहा कि मैदान में जमा हो जाओ, नहीं, बल्कि उसके लिए बाकायदा उसने तैयारी करवाई है। फिरौन भी इस बात को जानता है कि मूसा और हारून कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इन्होंने जो निशानियां बयान की है और ये जो निशानियां मुझे दिखा रहे हैं, ये किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। फिरौन भी ये बात जानता है। मौर्रखीन ने लिखा, फिरौन ने एक मरतबा अपने वज़रा को, वज़ीरों को हुक्म दिया कि मिस्र में जितने आला पाए के, यानी एक तो ये होता है ना कि इंसान जादूगर है, जादू के ज़रिए से लोगों को धोखा देता है, ठीक है, एक तो ये होता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, सिर्फ जादूगर मुझे नहीं चाहिए, बल्कि आला पाए के जादूगर चाहिए जो सारे मिस्र में रहते हो, उनको मेरे सामने लेकर आओ। और इस एतबार से तारीख़ ने बयान किया कि उस वक्त जो मिस्र में आला पाए के जादूगर थे ना, वो 70,000 की तादाद तक पहुँचे। और फिरौन ने सबको लालच दी थी, लेकिन अब वो भी जानता था कि 70,000 का मुकाबला करवाना सिर्फ दो नौजवानों के मुकाबले में, ये कोई अक्लमंदी की दलील नहीं है, कोई जंग नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया? अपने वज़ीरों को कहा कि यार, ये 70,000 से कम करते हुए 7,000 पर लेकर आ जाओ, ठीक है।
इन 70,000 में से मज़ीद इम्तिहान हुआ, 7,000 पर आए। अब जब 7,000 फिरौन के महल में आए ना, तो इन्होंने फिरौन से एक सवाल किया। बाकायदा परवरदिगार आलम ने इसको आयत का दर्जा देते हुए पैगंबर पर नाजिल भी किया। और वो क्या सवाल किया कि देख फिरौन, हम मिस्र के दूर दराज शहरों से तुम्हारे पास आए हैं, ठीक है, तुमने हमने बुलवाया, हम आ गए, तुमने हमारा इम्तिहान लिया, हम आ गए, लेकिन ज़रा ये बताओ कि अगर हम उन दो नौजवानों के मुकाबले में कामयाब हो गए तो तुम हमें अजर में, सिले में, इनाम में क्या दोगे? फिरौन कहने लगा कि जितनी दौलत चाहते हो उतनी दौलत मिल जाएगी, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि उन दो नौजवानों को तुम लोग शिकस्त दे दो, हरा दो, ठीक है, का कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अभी जादूगरों ने जनाब हारून और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ़ एक तारुफ सुना था कि भाई दो नौजवान हैं, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि फिरौन हमारा खुदा नहीं है, बल्कि हमारा खुदा वो है कि जिसने फिरौन को पैदा किया है, और उनके पास कुछ मोजज़ात है, कुछ निशानियां हैं, जिनमें से एक अहम निशानी ये है कि उनके पास एक असा है, जब वो असा ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो एक तवील सांप और अजदहा बन जाता है, ये निशानी है उनके पास, एक अहम निशानी। मौरखीन कहते हैं कि जो 7,000 जादूगर थे उनमें से दो जादूगरों के दरमियान में, यानी जो बिल्कुल पाए के जादूगर थे, यानी जिनकी जादूगरी पर पूरे मिस्र वाले एतमाद करते थे कि इनसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, ठीक, दो भाई थे, ठीक, दो भाई थे। अच्छा, अब ये दोनों भाई, इनकी कोशिश ये थी कि हम क्यों ना उन दोनों भाइयों को शिकस्त दे के जिनके बारे में फिरौन ने हमारे सामने तारुफ करवाया, यानी हज़रत मूसा और जनाब हारून अलैहिस्सलाम। बस इस वाक़े को बयान करते हुए मौलाए कायनात की सीरत पे आऊँगा, सिर्फ एक कंपैरिजन पेश करना है। तो इन्होंने सोचा कि अब हमें शिकस्त देने के लिए एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या काम, हम ऐसा करते हैं कि अपने वालदैन की कब्र पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपने वालदैन से दुआ मांगेंगे बाकायदा, ठीक है, अब वो जो भी उनका खुदा था उनको कहेंगे कि बारेला हमारे वालदैन के वसीले से हमारी मुश्किल को हल फरमा दे। देखिए, ये वालदैन की जो नेमत है ना, ये वालदैन की जो दौलत है, ये वालदैन के ज़रिए से जो दुआ कराना है ना, ये पैगंबर इस्लाम से पहले पुरानी शरीयतों में भी चलता हुआ आ रहा था, और पैगंबर ने इसको और ज़्यादा प्रोमोट किया कि देखो वालदैन का एहतराम करोगे, परवरदिगार आलम की तरफ से दुनिया में भी नेमतें मिलेंगी, आखिरत में भी नेमतें मिलेंगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये दोनों भाई आए अपने वालदैन की कब्र पर, इन्होंने अपने वालदैन की कब्र पर आकर दुआ की कि हम चाहते हैं कि उन दोनों नौजवानों के मुकाबले में जीत जाएँ, आप हमारी मदद कीजिए, हम किस तरीके से करें। तो एक कब्र से आवाज़ आई कि देखो, अगर वो तुम्हारी तरह आम जादूगर होंगे ना, तो जब इंसान सो रहा होता है ना, तो उस वक्त उसका जादू काम नहीं आता, ये है। तो जब वो दो नौजवान, और खुसूसियत के साथ वो नौजवान के जिसके पास असा है, वो जब सो रहा हो ना, तो तुम उसके पास जाना और उसका तुम असा लेकर आ जाना, ठीक है। अगर तुमने उसका असा हासिल कर लिया तो इसका ये मतलब यह है कि तुम मुकाबला करने से पहले ही जीत गए, और देखो अगर तुम उसके करीब जाओ और उसका असा हासिल नहीं कर पाओ किसी भी वजह से, ठीक है, तो समझ जाना कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि खुदा का नबी वही है। देखिए, ये बाकायदा कब्र से आवाज़ आई, वो दो नौजवान बड़े खुश हो गए, कहने लगे कि ठीक है। अब इन्होंने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते ये लोग, इनको पता चला कि मूसा और हारून बनी इसराइल के इलाक़े में रहते हैं, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बनी इसराइल के इलाके में हुई थी, बनी इसराइल के घर में हुई थी, वहाँ पर रहते हैं ये लोग, बनी इसराइल के मोहल्ले में आए, ठीक है। अब इन्होंने मालूम करवाया कि ज़रा हमें ये बताओ कि मूसा और हारून कौन है। लोगों ने बताया कि ये जो दो नौजवान हैं ना, एक साथ जो जा रहे हैं,
अब जंगल की तरफ जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, फिरौन के दरबार में जा रहे हैं। ये दो नौजवान, इनमें से एक मूसा है अलैहिस्सलाम और एक हारून है, और इनमें से भी जिसके हाथ में असा है वो मूसा है, जिसके हाथ में असा है वो मूसा है। इन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करने लगे, पीछा करने लगे कि कब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोएं और हम उनसे उनका असा चुरा लें, ताकि इसका नतीजा क्या होगा, मुकाबला करने से पहले ही हम जीत जाएंगे। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के पास आए। अब दरख्त जिसे हम कहते हैं ना कि बाकायदा जो दरख्त था वो बाकायदा बहुत ज़्यादा इस काबिल था कि उसमें साए की कैफियत ज़्यादा थी, यानी घना दरख्त था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थके हुए थे, कुछ देर के लिए दरख्त के नीचे सो गए, असा उनके बराबर में था, सो गए। अब इन दोनों नौजवानों को मौका मिल गया, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब में आए। जैसे ही करीब में आके इन्होंने असा को उठाने की कोशिश की ना, वो असा परवरदिगार आलम के हुक्म से इन दोनों नौजवानों को उस असा ने मारना शुरू कर दिया, उस असा ने मारना शुरू कर दिया। ये दोनों नौजवानों को मारते जाता है, लेकिन उन दोनों नौजवानों के हाथ में वो असा आ ही नहीं रहा। ये समझ गए कि मूसा किसी आम इंसान का नाम नहीं है, खुदा के नबी को मूसा कहते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मा सल्ला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये समझ गए कि ये परवरदिगार आलम की तरफ से वाकई में मूसा नबी है, नबुवत रिसालत का सरमाया लेकर मूसा हमारी तरफ आए हैं। बहरहाल इम्तिहान के लिए मैदान आ गया। एक तरफ 7,000 जादूगर हैं, एक तरफ हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं। कुरान मजीद ने पूरे वाक़े को नकल किया, किस अंदाज़ में जादूगरों ने पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, आप असा फेंकेंगे या हम अपने जादुओं को आपके सामने पेश करें। अब ये भी देखें कि जादूगरों ने ये नहीं कहा कि ऐ मूसा, क्या आप अपने जादू वाला असा पहले पेश करेंगे या हम अपने जादू पेश करें। इन्होंने कहा आप अपना असा पेश करेंगे या हम अपना जादू आपके सामने रखें। हज़रत मूसा ने कहा नहीं, बल्कि तुम रखो। रखा गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी बाकायदा मौर्रखीन के दरमियान में एक सवाल है कि कौन सा दिन था कि जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून का इन जादूगरों के साथ मुकाबला हुआ। दिन बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले 7,000 जादूगरों ने एक साथ रस्सियां फेंकी मैदान में। अब जैसे ही रस्सियां फेंकी, अब एक दफ़ा ये होता है ना कि एक इंसान हो, दो हो, तीन हो, ठीक है, बात समझ में आती है अलैहिस्सलाम, लेकिन एक दफ़ा 7,000 इंसान एक ही वक्त में 7,000 रस्सियों को फेंके या लकड़ियों को फेंके, तो एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं ना कि जमे खफीर हो जाता है चीज़ों का। बहरहाल उन्होंने फेंका, उनकी लकड़ियाँ, उनकी रस्सियाँ सांप की तरीके से हरकत करने लगी। उसी वक्त परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि ऐ मूसा, आपके पास जो असा है ना, आप इस असा को ज़मीन पर डालिए, फिर हमारा काम है कि हम आपको जीत दिलाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा के मुताबिक असा को ज़मीन पर फेंका। अब वो जैसे ही फेंका, देखिए एक मर्तबा ये होता था कि जब जादूगर किसी चीज़ को फेंकते थे ना, वो सिर्फ हरकत करती थी, लेकिन ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, पहला तो ये कि ये अजदहा बना, दूसरा ये कि इसने उन तमाम रस्सियों को और लकड़ियों को अपने अंदर निगल लिया, तीसरी चीज़ ये कि जो इसकी हालत पहले थी वो बाद में भी रही, यानी क्या मतलब, 70,000 लकड़ियों को और रस्सियों को खाने के बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फौरन जादूगर समझ गए कि ये कोई आम नौजवान नहीं है, कि ये इस अंदाज से मौजज़ा दिखा रहा है। और उसके बाद देखिए, ये ईमान की रोशनी होती है,
जब इंसान परवरदिगार आलम की तरफ से मुंतखब करदा नुमाइंदे से मोजज़े को देख लेता है, उसका दिल साफ होता है ना, तो वो फौरन सजदाए खुदावंदी बचा लाता है। और यही हुआ, 70,000 में से जो 7,000 का इंतखाब हुआ था, वो फौरन उसी वक्त सजदे में चले गए और कहने लगे कि आमन्ना बे रब्बे हारूना व मूसा, हम तो हारून और मूसा के परवरदिगार पर ईमान लेकर आ गए। ये होती है मोजज़े की तासीर और ये होती है नबी के पैगाम की तासीर। सवाल ये पैदा होता है कि किस दिन हज़रत मूसा और जनाब हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जादूगरों पर फ़तह दी। मौर्रखीन लिखते हैं कि 18 ज़िलहिज्जा का दिन था, 18 ज़िलहिज्जा का दिन था कि जिस दिन बाकायदा परवरदिगार आलम ने मूसा और हारून के लिए फ़तह को लिख लिया था कि ऐ मूसा और हारून, हम तुम्हें फ़तेह याब करेंगे मोहम्मद और अली के वसीले से। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद व आले मोहम्मद। और किस तरीके से मोहम्मद और अली के वसीले से, रिवायात में मिलता है कि जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले ना, तो उस वक्त परवरदिगार आलम की बारगाह में दो हस्तियों का वसीला मुसलसल दे रहे थे। देखिए, एक मरतबा ये होता है कि इंसान बराए रास्त खुदा से दुआ करता है, एक ये भी है एक दुआ का अंदाज़, और एक दुआ का अंदाज़ यह है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में उसके मुकर्रब बंदों का वसीला देकर दुआ मांगता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का यकीन होता है कि खुदा इनकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भी यह यकीन था कि हम मोहम्मद और अली का वसीला दे रहे हैं, अल्लाह ताला मोहम्मद और अली के वसीले से हमें मैदान कामयाबी इनायत करेगा। ये है। और हर नबी ने पैगंबर इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन को तो खुसूसियत के साथ याद रखा। यानी इसमें अगर हम कहें ना कि शिया और सुन्नियों के दरमियान में कोई दो राय नहीं है, अहले सुन्नत के उलमा ने भी अपनी अहादीस की किताबों में इस बात को लिखा है, अहले तशय्यो के उलमा ने तो, इमामिया के उलमा ने तो सराहत के साथ लिखा है। नजफ़ में शेख तूसी रहीमहुल्लाह दफन है, उन्होंने लिखा है। काजमैन में शेख मुफीद रहीमहुल्लाह ने अपनी किताबों में लिखा है। रे ईरान का इलाका शेख सदूक रहीमहुल्लाह ने अपनी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद और अली के वसीले से अल्लाह ताला ने हर नबी की मदद की है। ये है। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा को फ़तह मिल गई 18 ज़िलहिज्जा के दिन। अब आइए मैं अपने मौजू पर आऊँ, सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पैगंबर इस्लाम ने जा बजा अपनी ज़िंदगी में जहाँ अपने आप को मिलाया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक, अपनी उम्मत उम्मत मोहम्मदिया को बनी इसराइल के साथ, कि जो काम बनी इसराइल ने अपने दौर में किए थे मेरी उम्मत भी उन्हीं तमाम कामों को अंजाम देगी, यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल उस दौर में किसी जानवर के बिल में दाखिल हुए थे तो मेरी उम्मत भी बनी इसराइल की इतनी पैरवी करेगी कि वो भी जानवर के बिल में दाखिल होगी। ये उम्मत को मिलाया बनी इसराइल के साथ। मौलाए कायनात को मिलवाया हज़रत हारून के साथ। किस अंदाज़ में? जंग तबूक का मशहूर और मारूफ वाक़िया है। तबूक पर जाने से पहले मौलाए कायनात का ये इम्तियाज़ रहा है, चूँकि पैगंबर जब मदीना में आए तो मदीना में आने के बाद कुफ़ार से जो बाकायदा जंग का सिलसिला था वो शुरू हुआ है। जंग बदर हुई, जंग उहद हुई, जंग खंदक हुई, जंग खैबर हुई, ये तमाम जंगें। और इन तमाम जंगों में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बेहतरीन कारनामे मौलाए कायनात के। यानी बाकायदा पैगंबर इस्लाम मकाम इफ्तिखार पर ये फरमाते हैं कि अगर खदीजा का माल और अली की तलवार नहीं होती तो दीन इस्लाम का सरजमीन अरब पर वजूद नहीं होता। ये पैगंबर इस्लाम जैसी हस्ती इरशाद फरमा रही है मौलाए कायनात की तलवार के बारे में। तो ये मौलाए कायनात की बाकायदा खसूसियत। एक जंग के जिसमें अल्लाह के रसूल मौलाए कायनात को लेकर नहीं जा रहे थे, सही है, लश्कर तैयार हो गया, कहा अली आप मदीना में ही रहेंगे,
मौलाए कायनात से फरमाया कि अली आप मदीना में ही रहेंगे, मैं अपने असहाब के साथ तबूक के मैदान पर जा रहा हूँ। वाहिद ऐसी जंग है जंग तबूक, वो अलग बात है कि जंग तबूक फिर हुई नहीं थी। पैगंबर इस्लाम की खिदमत में किसी लईन ने शकी ने आकर झूठी खबरें दी थी कि तबूक के मकाम पर काफिर जमा हो गए दीन इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, कहा कि या अली मैं चाहता हूँ कि आप मदीना में रहिए, मैं अपने असहाब के साथ तबूक के मैदान में जाऊँगा। मौलाए कायनात पैगंबर इस्लाम के मिजाज से वाकिफ़ है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो मिजाज रिसालत से वाकिफ़ हो उसे अली कहते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाए कायनात मिजाज पैगंबर से वाकिफ़ है। मौलाए कायनात ने कहा कि या रसूल अल्लाह जैसा आपका हुक्म, आप कहेंगे अली मदीना में रहें, अली मदीना में रहेंगे। देखिए ये मौलाए कायनात की पैरवी थी जो पैगंबर इस्लाम की कदम ब कदम पैरवी करते थे। पैगंबर इस्लाम अपने असहाब को लेकर तैयारी मुकम्मल हो गई, निकले एक मकाम पे पहुँचे। आज भी मदीना में वो मकाम बाकायदा मौजूद है, यानी मदीना से कुछ फासले पर। वहाँ तक अभी पैगंबर इस्लाम पहुँचे थे कि असहाब में से एक सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह रुक जाइए, हम देख रहे हैं कि पीछे अलिया मुर्तज़ा आ रहे हैं। मौलाए कायनात दुलदुल को लेकर आए। मौलाए कायनात की ख़ास सवारी थी जो अल्लाह के रसूल ने इनको तोहफ़तन दी थी, दुलदुल। मौलाए कायनात दुलदुल पे आए। पैगंबर इस्लाम फरमाने लगे कि या अली क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह आपने जैसे ही मदीना को खुदा हाफिज़ कहा, कुछ लोग हैं कि जो मेरे ख़िलाफ़ इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि पैगंबर नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अली को नापसंद करते हैं, इसी वजह से अली को जंग तबूक पर लेकर नहीं जा रहे और ख़वातीन और बूढ़ों के दरमियान में अली को छोड़ दिया है। ये मुनाफिकीन मेरे बारे में इस तरीके से या रसूल अल्लाह बातें कर रहे हैं। अच्छा, पैगंबर भी जानते थे कि उनके असहाब में कुछ मुनाफिकीन हैं। अब एक तरफ मुनाफिकीन की ज़बानों को भी बंद करवाना था, ताला लगवाना था उनकी ज़बान पर, एक तरफ अली की ऐसी फजीलत बयान करनी थी जो क़यामत तक अली की शान को बयान करती रहे। एक मरतबा कहने लगे कि या अली, अच्छा अब उससे पहले पैगंबर इस्लाम के जहन में वो पूरा वाकया होगा, वो कौन सा वाकया कि जब 26 रजब के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खुदा हाफिज़ कहकर कोहे तूर पर जाने वाले थे तौरात के लिए, तो उन्होंने अपने भाई हारून को अपनी जगह पर बिठाया था कि देखो हारून मेरे बाद मेरी तरफ से खलीफा है, हारून की इताअत करोगे मेरी इताअत की, हारून का कहना मानोगे मेरा कहना माना, और अगर देखो हारून से रूगर्दानी की, हारून का कहना नहीं माना, इसका मतलब ये कि तुमने मूसा को ठुकरा दिया और इसी आलम में मारे गए तो जाहिलियत की मौत मिलेगी। ये पूरा वाकया पैगंबर इस्लाम के जहन में है। अच्छा, 26 रजब मैंने क्यों कहा? क्योंकि 40 दिन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर पर। ठीक है, 40 दिन के लिए, पहले 30 रातें थी, बाद में 10 रातों का इजाफा अल्लाह ताला ने और किया, 40 दिन मुकम्मल हुए। 6 रमज़ान को हज़रत मूसा पर तौरात नाजिल हुई, रमज़ान की 6 तारीख थी। तौरात को लेकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के दरमियान में आए, तो पैगंबर कहने लगे कि या अली अला तर्ज़ान तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी? इल्ला अन्नहु ला नबिया बादी, लेकिन मूसा और हारून के बाद नबूवत और रिसालत का रिश्ता सिलसिला बाकी था, सुलेमान आए, दाऊद आए, ज़करिया आए, यहया आए, जर्जीस आए, ये तमाम अंबिया आए, लेकिन ए अली मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात की एक ऐसी मुनफरिद सिफत बयान की ना कि एक तरफ तो मुनाफिकीन खामोश हो गए, दूसरी तरफ अली की शान क़यामत तक के लिए वाज़े हो गई। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद आले मोहम्मद। तो ये मौलाए कायनात किस अंदाज में हज़रत हारून के साथ मौलाए कायनात को मिलवाया? हारून मासूम, अली मासूम, हारून मूसा के भाई,
अली पैगंबर इस्लाम के भाई। हारून मूसा की ज़िंदगी में खलीफ़ा, अली पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में खलीफ़ा। हारून हज़रत मूसा की मदद करते हैं, अली पैगंबर इस्लाम की मदद करते हैं। हारून के ऊपर हज़रत मूसा को मुकम्मल एतमाद है, मौलाए कायनात के ऊपर ख़त्मी मर्तबत को मुकम्मल एतमाद है, इस अंदाज से समझाया है। लेकिन देखें, जब कोई नबी अपने वसी का इस हद तक तारुफ करवाता है ना, हज़रत मूसा ने हज़रत हारून का करवाया, हज़रत दाऊद ने जनाब सुलेमान का करवाया, जनाब सुलेमान ने आसिफ़ बिन बरखिया का करवाया, जनाब ज़करिया ने हज़रत याहिया का करवाया, हज़रत आदम ने जनाब शैस का करवाया, जनाब नूह ने हज़रत साम का करवाया, तो उम्मत का हक क्या बनता है? उम्मत का हक ये बनता है कि नबी की वफ़ात के बाद या शहादत के बाद उस वसी का एहतराम करे, और जिस अंदाज में नबी का कहना मानती थी उम्मत, उसी अंदाज में वसी का भी कहना माने। इसे कहा जाता है मुकम्मल इताअत। लेकिन अगर उम्मत नबी का कहना ना माने, वसी के दरवाज़े पर आग लगाए, वसी से खिलाफत के हक़ को छीन ले, वसी की जौजा के चेहरे पर सबके सामने बरमला तमाचे मारे जाएं, कोड़े मारे जाएं बाजुओं पर, पसलियों को तोड़ दिया जाए, वसी के बेटे को जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है उसे शहीद कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि उम्मत ने रिसालत का अजर अदा नहीं किया। वो रिसालत का अजर कि जो नबी ख़त्मी मर्तबत अपनी ज़िंदगी में कह कर गए थे कि अगर अजर रिसालत चाहते हो तो मेरे अहले बैत की पैरवी करना, सिर्फ मोहब्बत का नहीं कहा था, मोहब्बत से एक दर्जा आगे के मोहब्बत का सबूत ये है कि पैरवी करना। तो इसका मतलब ये है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुसीबतें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि 25 साल खामोश रहने के बाद 11 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक, अब जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कदमों में खिलाफत की लगाम को लाकर डाला गया कि ऐ अली आप खिलाफत को तस्लीम कीजिए, तो उसके बाद भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मुसीबतों में तकलीफ़ों में कमी नहीं हुई, बल्कि कभी जमल का फितना, कभी सिफीन की शोरिश, कभी नहरवान की तकलीफ़ें अलैहिस्सलाम। और इस अंदाज में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नहीं मालूम कि किस तरीके से 4 साल 9 महीने खिलाफत के मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों के दरमियान रहते हुए गुजारे हैं। इंशाल्लाह आगे सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान करूँगा कि इन मुसीबतों के दरमियान भी मौलाए कायनात किस अंदाज में गरीबों का ख्याल रखा करते थे। इंशाल्लाह आगे की मजालिस में ये तमाम मारूज़ात आएंगे। मुसीबतें कम नहीं हुई, नहरवान का फितना ख़त्म हुआ, मौलाए कायनात 40 हिजरी में कूफा में दाखिल हुए, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ। रावी कहता है कि 40वीं हिजरी का जो रमज़ान था ना, अली के पिछले रमज़ानों से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि इस रमज़ान में अली कसरत के साथ अपनी शहादत की खबर दिया करते थे। एक मरतबा सासा बिन सौहान कहते हैं कि मस्जिद कूफा में मौलाए कायनात से मिला अलैहिस्सलाम, मैंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, इस दफ़ा हमारा हज पर जाने का इरादा है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हज पर चलिए, ताकि हमारे को भी एक बेहतरीन अंदाज़ में इमाम बरहक की सोहबत मिलेगी, हज करेंगे। फरमाने लगे कि ऐ सासा, उस वक्त तक तुम अली को ज़िंदा नहीं पाओगे। कसरत के साथ अपनी शहादत की खबर दिया करते थे। कभी इब्ने मुलजिम को देखते थे तो कहते थे कि इब्ने मुलजिम देख, कोशिश करना अपने आप को जहन्नम का ईंधन ना बनाना।
कभी हसन से पूछते थे कि रमज़ान के कितने रोज़े गुजर गए, कभी हुसैन से पूछते थे कि रमज़ान के कितने रोज़े बाकी है, फिर अपनी रीशे मुबारक पे अपने हाथ को बाकायदा रख कर कहते थे कि यही वो रमज़ान है कि जिसका मेरे भाई ने मुझसे वादा किया है कि अली की दाढ़ी को अली के खून से सैराब किया जाएगा। अस्हाब कहते हैं कि हमें अली की, अमीरुल मोमिनीन की बहुत फ़िक्र थी, क्योंकि उससे पहले के रमज़ान तक हमने कभी भी अली की ज़बानी इतनी शहादत की खबरें नहीं सुनी थी। एक मरतबा रावी कहता है कि मौलाए कायनात की खिदमत में हम शाम में एक रजिस्टर पेश करते थे, जिस रजिस्टर में हम सुबह से लेकर शाम तक जो अफराद कूफा में दाखिल होते थे ना, उनके नाम लिखते थे। हमने मौलाए कायनात के पास वो रजिस्टर पेश किया। मौलाए कायनात का मामूल ये होता था कि शाम में हर एक के नाम को पढ़ा करते थे कि कौन कौन शहर कूफा में वारिद हुआ है, दाखिल हुआ है। एक मरतबा एक दिन पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते कहने लगे अब्दुर्रहमान इबन मुलजिम। जैसे ही कहा अब्दुर्रहमान इबन मुलजिम कूफा में दाखिल हुआ है, फौरन रावी कहता है मौला फरमाने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सख्ता 19वीं और 20वीं के मसाइब आपने सुने हैं कि किस अंदाज़ में इबन मुलजिम लईन ने मौला को ज़रबत मारी, किस तरीके से जिब्राइल ने मरसिया पढ़ा, किस अंदाज़ में मौलाए कायनात को गुरबत के साथ उनके घर में लेकर आए, किस तरीके से ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने मौला के शिगाफ्ता सर को देखा। मोहम्मद हनफिया कहते हैं कि 20वीं रमज़ान का दिन तमाम हो गया, 21वीं की शब आई, लेकिन मैं गवाही देता हूं कि 20वीं रमज़ान का दिन मेरे बाबा ने तड़पते हुए गुजारा। मौला मुसलसल तड़प रहे थे, एक तरफ जहर की शिद्दत थी, एक तरफ जहर पूरे जिस्म में सराइयत कर गया था, और एक तरफ जहर के सराइयत करने की वजह से इबन हनफिया कहते हैं कि मेरे बाबा का पूरा जिस्म जर्द हो गया था। मौला तड़प रहे। 21वीं की शबाई, एक मरतबा रावी कहता है कि अब्बास की कैफियत ये थी कि अब्बास हर कुछ देर में आते थे, मौलाए कायनात के पाँव का बोसा लेते थे, अपने कमरे में जाते थे और दारों का दार रोते थे। कुछ देर के बाद दोबारा आते थे, मौला के पाँव का बोसा लेते थे, फिर कमरे में जाके ज़ारो कतार रोते थे। एक मरतबा रावी कहता है कि रात का जब एक पहर चले गया तो उसके बाद ज़ैनब कुबरा कहने लगी कि बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेरे भाइयों में से किसी को मुअय्यन कर दीजिए जो मेरी हिफाजत करे। मौला फरमाने लगे कि बेटी ज़ैनब, मैं अभी अपने तमाम बेटों को हाज़िर होने का हुक्म देता हूँ। एक मरतबा कहा कि बेटा हसन, मेरे तमाम फरजंदों को आने का हुक्म दो। हुसैन आए, अब्दुल्ला आए, मोहम्मद हनफिया आए, मोहम्मद औसत आए, अब्बास दिलावर आए। मौलाए कायनात की नज़रों के सामने मौलाए कायनात के तमाम बेटे आ गए। एक तरफ शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने मकाम पर खड़ी भी हैं। मौला फरमाने लगे कि ज़ैनब किसको चाहती हो कि अपनी हिफाजत के लिए कहो। एक मरतबा शहजादी कहने लगी कि बाबा हसन और हुसैन आपके बाद मेरे इमाम होंगे, उनकी इताअत करना ज़ैनब के ऊपर वाजिब है, लेकिन बाबा मैं चाहती हूँ कि हसन और हुसैन के अलावा, चूँकि वो तो मेरे इमाम है ना, मैं चाहती हूँ कि अपने भाइयों में से एक का इंतखाब करूँ। शहजादी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन कहने लगे कि बेटी ज़ैनब, तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारे सारे भाई खड़े हुए, इनमें से किसी एक को कहो, अली हुक्म देगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी भर हिफाजत करेगा। शहजादी कहती है कि मैंने अपने एक एक भाई को देखना शुरू किया, एक भाई को देखा, दूसरे भाई को देखा, तीसरे भाई को, इस तरीके से देखते हुए जा रही थी कि मेरी नज़र मेरे 14 साल के अब्बास पर आकर रुक गई। कहने लगी बाबा अब्बास। एक मरतबा कहने लगे कि अब्बास बेटा अली के करीब आओ। अब्बास करीब आए, कहने लगे कि अब्बास ये कौन है? अब्बास कहने लगे कि बाबा ये फातिमा जहरा की बेटी मेरी शहजादी ज़ैनब कुबरा है। अब्बास से कहने लगे कि अब्बास देखो एक वादा करो, 21 रमज़ान की शब है, तुम्हारा बाबा ज़ख्मी है, अली के सामने एक वादा करो। अब्बास कहने लगे कि बाबा क्या चाहते? अब्बास से कहने लगे कि बेटा अब्बास वादा करो कि हमेशा ज़ैनब के पर्दे की हिफाजत करोगे।
अब्बास ने वादा किया ज़ैनब से, कहने लगे कि ज़ैनब अब्बास तुम्हारा मुहाफिज है। अरे मेरा दिल ये चाहता है कि एक जुमला ये भी कहा होगा कि बेटी ज़ैनब मेरे अब्बास को आशूर के दिन जब इजाज़त लेने के लिए आए मेरे हुसैन पर कुर्बान होने के लिए तो उसको इजाज़त दे देना। एक मरतबा अब्बास को ज़ैनब के सुपुर्द किया, अब्बास को ज़ैनब की हिफाजत के लिए मुअय्यन किया। उसके बाद रावी कहता है कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा हसन ज़रा मेरे करीब आओ। हसन करीब आए, हसन को करीब लाने के बाद कहने लगे कि हुसैन हसन के हाथ पर अपना हाथ रखो। हुसैन ने हसन के हाथ पर अपना हाथ रखा। मोहम्मद हनफिया हसन के हाथ पर अपना हाथ रखो। मोहम्मद हनफिया ने हसन के हाथ पर अपना हाथ रखा। अब्दुल्ला हसन के हाथ पर अपना हाथ रखो। अब्दुल्ला ने हसन के हाथ पर अपना हाथ रखा। रावी कहता है कि मौलाए कायनात ने अपने तमाम बेटों के हाथ हसन के हाथ पर रखवाए। अब्बास इस मंजर को देख रहे थे, अब्बास का हाथ हसन के हाथ में नहीं गया। एक मरतबा शहजादा था ना, शहजादा दौड़ते हुए गया माँ उम्मुल बनीन के कमरे में आया, कहने लगा मादरे गिरामी गजब हो गया, बाबा ने मेरे तमाम भाइयों के हाथ मौला हसन के हाथ पर दिए। अरे मेरा हाथ में अब मैं मौला हसन के हाथ पर नहीं गया। एक मरतबा उम्मुल बनीन पहले ही रो रही थी, अरे अपने आप को उस मकाम से उठाया मौलाए कायनात के कमरे में आई, कहने लगी वाली क्या मेरे बेटे अब्बास ने कोई खता कर दी। उम्मुल बनीन से कहने लगी कि उम्मुल बनीन जो मैं देख रहा हूं अरे वो तुम नहीं देख रही। अब एक मरतबा हसन को आगे नहीं बुलाया, एक मरतबा हुसैन को आगे बुलाया, एक तरह अब्बास से दिलावर को आगे बुलाया, एक मरतबा हुसैन से एक जुमला का, एक मरतबा अब्बास से एक जुमला का। हुसैन से कहने लगी कि हुसैन जरा ये बताओ ये कौन है। हुसैन कहने लगी कि बाबा ये मेरा भाई अब्बास है। अब्बास से कहने लगी कि अब्बास ये कौन है। अब्बास कहने लगे कि बाबा मौला हुसैन है। एक जुमला हुसैन से कहा, एक जुमला अब्बास से कहा, लेकिन उससे पहले कहा हुसैन अपने हाथ को बढ़ाओ। मौला हुसैन ने अपना हाथ बढ़ाया, एक मरतबा अब्बास का हाथ लिया हुसैन के हाथ पर रखा, कहने लगे हुसैन अब्बास तुम्हारे हवाले। और एक जुमला अब्बास से कहने लगे अब्बास देखो असरे आशूर जब फुरात के किनारे पर पहुंचोगे। फुरात के किनारे पर पहुंचोगे, अरे मशकीजे को भरोगे, मेरा बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, उसकी प्यास से पहले पानी ना पीना। एक मरतबा अब्बास ने वादा किया, अब्बास को हुसैन के सुपुर्द किया। अरे अजब नहीं जब मेरा मौला असरे आशूर फुरात के किनारे पर पहुंचा था, मशके सकीना को भरा, मशके सकीना को भरने के बाद नजफ का रुख किया होगा। अरे कहा होगा बाबा अली मुर्तजा आइए, अब्बास ने करबला में अपना वादा पूरा कर लिया। अब्बास ने पानी नहीं पिया, मौलाए कायनात का आखिरी वक्त। रावी कहता है कि मौला की सांसें रुकने लगी। अरे कहने लगे मेरे भाई रसूल खुदा आ गए, चचा हमजा आ गए, अरे भाई अब्दुल्लाह जाफर तैयार आ गए, खदीजतुल कुबरा आ गए, फातिमा जहरा अली को लेने के लिए आ गए। रावी बयान करता है कि मौलाए कायनात के तमाम फर्जंद तमाम बेटियां अपने अपने मकाम से उठ गए, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अम्मी हमजा, अस्सलाम वालेकुम या जाफर तैयार, अस्सलाम वालेकुम या खदीजत अल कुबरा, अस्सलाम वालेकुम या उम्मा फातिमा ज़हरा। अरे तमाम हस्तियों का सलाम किया। मौलाए कायनात ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मौलाए कायनात की सांसें बंद हुई, आगे बंद हुई, रूह कफ़ज़े अंसरी ने परवाज कर गई। अरे बीबियों ने बेटियों ने लाला शैवन किया, हाय हमारा बाबा। मौलाए कायनात की वसीयत के मुताबिक गुसल दिया, कफन पहना, मौलाए कायनात को सरजमीन नजफ में ले जाने के लिए तैयार किया गया ताबूत को। अरे रावी कहता है कि ताबूत आगे से खुद ब खुद उठा, एक तरफ से जिब्राइल थे दूसरी तरफ से मीकाइल थे, पीछे से हसन और हुसैन ने कंधा दिया हुआ था। अरे ताबूत को कूफा से लेकर चले सरजमीन नजफ में आए, इमाम हसन ने अमीरुल मोमिनीन की वसीयत के मुताबिक अरे थोड़ी सी मट्टी हटाए, क्या देखते एक पत्थर है जिस पर लिखा हुआ है अरे ये नूह नबी ने आखिरी नबी के वसी की खबर को तैयार किया था। एक मरतबा नूह नबी की खबर तैयार शुदा मिली, मौला ने पत्थर को हटाया, अमीरुल मोमिनीन को खबर में रखा। अजब नहीं पैगंबर इस्लाम के हाथ बरामद हुए होंगे, कहा होगा बेटा हसन।
जान मेरे जख्मी वसी को मेरे हवाले कर दो। मैं कहूँगा जिब्राइल और मीकाईल आप जमीन पर आए, आपने नबी के वसी को, अरे नबी के वसी के ताबूत को आपने नजफ तक पहुँचाए, लेकिन हाय अली का फर्जान करबला में तीन दिन तक बेगौर कफन पामाल लाशा फातिमा का लाल पड़े रहा। الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قليب ينقلبون। बारेला हमारी इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बारेला हमारी इस इबादत का सवाब हमारे मरहूमीन को इरसाल फरमा, बारेला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें सैयद के आवान अंसार में शुमार फरमा।